गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज डे 18 पार्ट 3। पार्ट 2 में हम एडिट सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम थोड़ा सा सेल्स और वॉल्स को कैसे एडिट करते हैं, कैसे हम ओपनिंग देते हैं वॉल्स में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ तक कर चुके थे, हम एडिट सेल्स में डिवाइड तक कर चुके थे हम। अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम कुछ प्लान व्यू में जाके कुछ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक, एंड ये मैंने स्लैब डिजाइन कर ली। ओके, तो इस सेल्स को, इस वाली स्लैब को हम पहले डिवाइड करते हैं। एडिट सेल्स डिवाइड 2x2। ओके, दोनों डिवाइड हो गए 2x2। अब क्या करना है, हमें इन्हें मर्ज करना है। तो एडिट सेल्स मर्ज, ये हमने सेलेक्ट की और हम गए एडिट सेल्स मर्ज। ये मर्ज हो गई, देखिए इस तरह हमने इनको सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। ये टू सेल्स को एक बार ही मर्ज करता है। अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर हमने मर्ज कर दिया, ये मर्ज हो गया। नेक्स्ट एडिट सेल्स, उसके बाद आता है एक्सपेंड श्रिंक सेल्स, इसको भी देख लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया और ये हमारी है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 mm। तो देखिए हमारी जो स्लैब है वो 10 mm और ऑफसेट हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। अगर हमें श्रिंक करनी है तो -100 mm डाल के देखते हैं और ओके करते हैं। देखिए ये श्रिंक हो गई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमारी ग्रिड है, यहाँ पे हमारा बीम ड्रॉ होगा और ये हमारी श्रिंक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अंडो कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, एडिट सेल्स स्प्लिट, स्प्लिट सेल्स एज, ये कह रहा है कि हमारे ये ऑप्शन सेल्स को वहाँ से स्प्लिट करेगा जहाँ पर हमारा जॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारा कोई जॉइंट नहीं है, तो देखते हैं कहाँ से करता है सेलेक्ट सेल्स स्प्लिट। देखिए नहीं हुई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जॉइंट है सेल्स स्प्लिट, देखिए और स्प्लिट हो गई है, जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे स्प्लिट होती जाएगी, स्प्लिट जॉइंट्स में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें इस जॉइंट्स को हटाना है तो एडिट सेल्स रिमूव जॉइंट फ्रॉम सेल्स, अब ये दोबारा करेंगे हम इसी तरह से रिमूव होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कैम्फर स्लैब कॉर्नर। देखिए एक है सर्कुलर, एक है राउंडेड, एक है हमारा स्ट्रेट। हम स्ट्रेट वाला देखते हैं। मैं इसमें क्या करते हैं, हम इस स्लैब को ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लेते हैं जॉइंट, और यहाँ पे डाल देते हैं 10 mm, या 10 नहीं 100 डाल देते हैं, दिखाई दे, ओके करते हैं। तो देखिए जूम करके यहाँ पे हमारा ऐसे कैम्फर लग गया। और अगर आपको राउंडेड लगाना है तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला जॉइंट लिया, एडिट सेल्स कैम्फर राउंडेड 100 mm।
या फिर 500 mm। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्कुलर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एडिट सेल्स, उसके बाद वॉल के बारे में आती है बात। तो क्या करते हैं हम, चलो एक स्लैब का ऑप्शन है, ये भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। मॉडिफाई शो स्लैब एज टाइप, जिस तरह से हमने फ्रेम्स को चेंज किया था स्ट्रेट लाइन टू कर्व, सेम वही चीज़ है, इस पर क्लिक किया हमने। देखिए हम कर्व, मल्टी कर्व और स्पाइरिंग कर्व कैंप में कर सकते हैं हम चेंज। सर्कुलर कर्व में किया, 4 मीटर रेडियस दे देता हूँ मैं, ओके किया। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 4 मीटर रेडियस में सर्कुलर हो गई। इनको डिलीट कर देते हैं और अब हम एक वॉल ड्रॉ करते हैं। वॉल हमारी ड्रॉ होती है, इससे हमने यहाँ लिया और यहाँ पे क्लिक किया था, हमारी एक फ्लोर की वॉल आ गई। तो इस वॉल को हम सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, रिवर्स वॉल लोकल एक्सिस। पहले वॉल के हम लोकल एक्सिस देख लेते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट, वॉल आती है आपकी सेल्स में और सेल्स में लोकल एक्सिस, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो ये एक्स वाला इधर है और ब्लू वाला इधर है और अप है आपका ग्रीन। अब हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे और एडिट ऑप्शन में सेल्स में जाते हैं, रिवर्स। तो देखिए रिवर्स हो गया आपके कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, एडिट सेल्स, डिवाइड वॉल फॉर ओपनिंग, यानी कि जो हमारी ओपनिंग है वॉल में, उसके साइड में जो हमारी वॉल बची है, उस सबको ओपनिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है। तो उसके लिए पहले हमें ओपनिंग चाहिए, ओपनिंग के लिए पहले हमें एलिवेशन चाहिए। तो देखिए इस वॉल का एलिवेशन देखने के लिए हम किस में जाएंगे, ए में, ए एलिवेशन में। तो एलिवेशन ए, ए हमारा है, ओके, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक वॉल का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये रहा ओपनिंग का ऑप्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक करके एक ओपनिंग दे दी। ठीक है, अब मैंने इस ओपनिंग को सिलेक्ट कर लिया और इस वॉल को भी। तो हमने क्या कहा था, उस टूल में क्या करेगा, ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर देगा ये अपने वॉल को। तो डिवाइड वॉल, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जैसे ओपनिंग है वैसे ही डिवाइड कर दिया। तो दोबारा प्लान पे चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं और एक वॉल और ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एडिट सेल्स, सेम एज मॉडिफाई शो, हम इसे सर्कुलर बना देते हैं। सिलेक्ट की वॉल, एडिट सेल्स, मॉडिफाई, ये स्ट्रेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। फिर हमने सिलेक्ट किया एडिट सेल्स, मॉडिफाई और हमने इसे सर्कुलर किया, यहाँ हम 4 मीटर डाल देते हैं, ओके करते हैं। तो ये नहीं हो रहा है तो हम इसको भी डिलीट करते हैं पहले, और एडिट में जाके सेल्स में जाके, सॉरी पहले एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल ड्रॉ करने के बाद वॉल को सिलेक्ट किया, एडिट सेल्स, मॉडिफाई, प्रॉपर्टी, यहाँ पे करना है सर्कुलर और 4 पे क्लिक किया हमने। तो कभी कभी क्या होता है आपका, ई टैप में ही एरर हो जाता है या ई टैप काम करना बंद कर देता है जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं और सही ढंग से नहीं करते। तो मैं न्यू फाइल कर लेता हूँ, न्यूमैटिक यूनिट, हम वॉल ड्रॉ करते हैं और अब नॉर्मल कर्सर से वॉल को सिलेक्ट करके दोबारा उसी ऑप्शन पे जाते हैं, एडिट सेल्स, मॉडिफाई प्रॉपर्टी और यहाँ पे करते हैं सर्कुलर 4 मीटर। तो देखिए ये 1 मीटर डाया है, 4 मीटर रेडियस हो गई, इस तरह से सर्कुलर हो गई। तो ये थे हमारे टूल्स, एडिट सेल्स।
जिसमें हमारा गोल्स भी आ जाता है। थैंक यू।